नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका क्रिकेट न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे अपराध की दुनिया की तरफ। खबर बांदा से है, जहां लाठी डंडों से पीट पीट कर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि खेत में जानवर जाने को लेकर विवाद में दबंग ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या की थी। जानकारी के मुताबिक मुख्य अभियुक्त पर पहले से बलात्कार, चोरी और गुंडा एक्ट सहित तमाम धाराओं में 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूरा मामला बिसंडा थाना अंतर्गत 64 गांव का बताया जा रहा है। ग्राम 64 में खेत में एक व्यक्ति की लाश मिली थी कल। तत्काल इस पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए इसमें बिसंडा पुलिस द्वारा 12 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तीसरा अभियुक्त बाल अपचारी है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कराई जा रही है। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो बहुत ही सातिर का अपराधी है, जिसमें लगभग 10 मुकदमे हैं, जिसमें बलात्कार से लेकर चोरी से लेकर गुंडा एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई हुई है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ग्राम 64 में खेत में मुरादाबाद जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार डीसीएम सड़क किनारे ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। हादसे में डीसीएम में बैठे चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही डीसीएम का ड्राइवर और एक अन्य युवक घायल हो गए। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बांदा जनपद के बबेरो कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव एक दिन पहले बरामद हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा नशे की हालत में गिरने से मौत की बात कही जा रही थी। लेकिन परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराने और हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बबेरो फतेहपुर राजमार्ग को जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और तहसीलदार के समझाने बुझाने के बाद जाम को खुलवाया गया। नाम है आपका? रानी। कहाँ रहते हैं? यहाँ पर जाम लगाए थे आप? यहाँ नहीं, हमारे जेठे को लड़का मारा गया तो यहाँ हमने देखे आया। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर निपुलिया के मारकर डाल दिया है, था हमने संदेश पाया था, हमने देखने अभी आया। हमने ट्रैक्टर को पकड़े खड़ी रहा तो पुलिस वाले आया, मेरे हम डंडा मार दिया। किस लिए मारा? लड़कों को ड्राइवर को मारने लगा पकड़ के, तो सब जने हम हुर्रा मार के बचाने के लिए किया तो को लात को के घूसा को के थापा को के लठ मार दी। नाम है? रानी। कानपुर देहात से जहाँ तेज रफ्तार वाहन ने जेएसए में जोरदार टक्कर मार दी, वहीं टक्कर के बाद जेएसए अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिसके चलते जेएसए चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को उपचार के लिए सीएससी पुखराया में भर्ती कराया। इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।